हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज स्टार्ट करते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है जो आप सबके काम आने वाला है, चाहे आप किसी भी कोर्स में इनरोल करने वाले हों, चाहे वो आपका BMS हो, BPharma हो, BSc नर्सिंग हो, मेडिकल का कोई भी कोर्स हो, अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा देखिएगा, हो सकता है मैं सारी बातें बताऊं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन सारी बातों को सुनिए और समझिए, फिर उस पर विचार करिएगा तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो भी मैं कह रहा हूँ वो सच है। बात स्टार्ट करता हूँ। आज कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है जिस वजह से मुझे ये चीज़ लगी कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मैं चीज़ें देख रहा हूँ लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ कहीं ना कहीं कि किसी ना किसी की वजह से क्यों किसी का लॉस करना, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है और मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बात स्टार्ट होती है, जैसे कि आप किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी कॉलेज को आप देखना चाहते हैं, आप कहाँ जाते हैं? या तो ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं तो कोई ना कोई होता है, या तो कोई व्लॉग बना रहा होता है कॉलेज का, या कोई कॉलेज के बारे में बता रहा होता है, जैसे या तो मैं आपको दिख जाता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो है कॉलेज विजिट नहीं करते या आपने कॉलेज नहीं देखा होता, लेकिन आपने किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से उस कॉलेज की अपने आप में एक छवि बना ली होती है कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है। लेकिन इन रियलिटी मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कॉलेज में जब तक अंदर इंटर नहीं करते, वहाँ के स्टूडेंट से बात नहीं करते, तब तक आपको कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि ये कॉलेज अच्छा है या ये कॉलेज खराब है, क्योंकि इनसाइड स्टोरी जो होती है वो सिर्फ वहाँ पढ़ने वाले बच्चे ही जान पाएंगे। आप कोई भी काउंसलर, चाहे जितना बड़ा काउंसलर हो, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करेगा, वो आपको कॉलेज की बिल्डिंग्स दिखाएगा, कॉलेज में क्या क्या होता है ये दिखाएगा, ये सारे इररिलेवेंट चीज़ें हैं। आप वहाँ पढ़ रहे हैं, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, हकीकत जो है वो कभी नहीं बताएगा। जैसे मैं आज, मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे एक फैमिली मेम्बर हैं, उन्हें BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना था। अभी तक मैंने क्या सुना था कि जितने भी मेडिकल के कोर्सेज होते हैं वो सारे नीट के थ्रू हो गए हैं, लेकिन BSc नर्सिंग का जो कोर्स है वो अटल बिहारी वाजपेयी एक यूनिवर्सिटी है जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू होता है। तो सारे कॉलेजेस में ये रूल लागू होता है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी का एग्ज़ाम दे रखा है तो आपका एडमिशन होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जब काउंसलर के थ्रू जाओ तो लोगों को ऐसा पता नहीं होता, और फिर काउंसलर ऐसे ऐसे बता देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बता देते हैं कि हम आपका करा देंगे, कोई बात नहीं है, नहीं है नीट दिया, नहीं आपने अटल बिहारी दिया, हम आपका करा देंगे, आप इतने पैसे हमें दे दो, रजिस्ट्रेशन करा दो, हम आपका करा देंगे। ऐसे ही करके एक काउंसलर से मेरे फैमिली मेंबर मिले और उन्होंने कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस देखी हैं, तो उन्हें लगा कि थोड़ा सा सजेशन मेरे से ले लेते हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक काउंसलर हैं, हम उनके यहाँ आए हुए हैं, आप थोड़ा उनसे बात कर लीजिए, तो हमें भी ये लगेगा, हमें तो इतना मालूम है नहीं, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स होता है उन्हें नहीं मालूम होता ना किसी फील्ड के बारे में। तो उन्होंने कहा आपको थोड़ा मालूम है, आप मेडिकल कॉलेज में, तो आप इनसे बात कर लीजिए। तो मैंने उनसे बात करी, और जब मैंने उनसे बात करी तो मैंने उनसे पूछा कि इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का एग्ज़ाम तो नहीं दिया है, नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो आप किस हिसाब से उसका एडमिशन करा देंगे? उन्होंने बोला हम करा देंगे, किसी भी हिसाब से हो हम करा देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ कॉलेजेस जितना मुझे पता है, मेरे फ्रेंड्स कई प्रोफेसर हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में, कोई बीटेक में है, कोई मेडिकल विभाग में, तो जितना मैं जानता हूँ मैं उनको कॉल करके पूछ चुका हूँ, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सीट जो है अब फुल हो चुकी है। तो मैंने कहा जो कॉलेजेस हैं अच्छे रिपोर्टेड वहाँ पर तो सीट्स फुल हैं, तो आप कौन से कॉलेज में करा रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मेरी पहुँच है मैं तो सब कॉलेजों में बात कर चुका हूँ, अब मुझे आप बता दीजिए कौन सा ऐसा कॉलेज है। तो बोले वो हम नहीं बताएंगे आपको। मैंने कहा क्यों नहीं बताएंगे? आप काउंसलर हैं, आपका काम है, आप मुझे बताइए कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन दिला रहे हैं, मैं भी तो उसके बारे में जानकारी लूँ। क्योंकि जब किसी कॉलेज के बारे में बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसे ये भी तो मालूम होना चाहिए किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, कौन उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, क्या सही समय पर एग्ज़ाम होते हैं या नहीं होते, क्या वहाँ से जो बच्चे पढ़कर निकल गए हैं वो उनको अच्छी जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, या वो डिग्री लिए सिर्फ घूम रहे हैं और डिग्री किसी काम की नहीं है। मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे ही फैमिली मेम्बर हैं, बहुत ज़्यादा करीबी हैं, MP में पढ़ रहे हैं, मेडिकल के कोर्सेस हैं, और ये सिर्फ एक कोर्स की बात नहीं है, BMS के बच्चे हों, चाहे वो BSc नर्सिंग के बच्चे हों, चाहे वो फार्मा के बच्चे हों, दो दो तीन तीन साल हो गए, थर्ड ईयर में हैं लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए, ये ऑलरेडी मैं वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि 3 साल हो गए अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए, कॉलेज कुछ नहीं बोल रहा है,
बस ये बोल रहा है कि सरकार ने रोक लगा दी, सरकार ने रोक लगा दी। सरकार क्यों रोक लगाती है? सरकार तब रोक लगाती है जब आपके कॉलेज ने वो चीज़ें जो क्राइटेरिया आपने लिख के दिया था सरकार को कॉलेज बनवाते समय, अब कभी चेकिंग हुई तो आपके पास वो क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं है, बच्चा अगर पढ़ भी रहा है तो प्रैक्टिस कहाँ करे जब पेशेंट ही नहीं है, तो उसकी पढ़ाई का मतलब क्या है? तो अगर कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता सरकार की नज़र में, तो सरकार उस कॉलेज को मान्यता बंद कर देती है कि ना यहाँ के एग्ज़ाम होंगे, ना यहाँ के बच्चे पढ़ के निकल पाएंगे और ना उनका भविष्य खराब होगा। हालांकि दो दो तीन तीन साल बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब सरकार क्या करे, सरकार को ये लगता है कि आगे ऐसा ना हो इसलिए इस पर रोक लगा देती है। लेकिन अब ये चीज़ बच्चों को नहीं पता होता, काउंसलर क्या बोलते हैं, एडमिशन ले लो, और बाद में वहाँ एडमिशन लेके बच्चा फंस जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि किसी को भी तब पता होगा जब वहाँ एडमिशन ले लेगा। आपको नहीं पता कि एमपी में क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ जो बच्चे, मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन जब ऐसी ऐसी खबरें निकल के आती हैं कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मेरे अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए, अब हमें कहीं और एडमिशन लेना है, तो 4 साल ऑलरेडी बर्बाद हो गए। अब बर्बाद क्यों हुए? सिर्फ इन्हीं काउंसलर्स की वजह से, इन्हीं कॉलेज वालों की वजह से। अगर ये हकीकत बता देते कि ऐसा ऐसा है तो शायद नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब हालांकि मैं उस स्टोरी कंप्लीट करूं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कॉलेज का नाम बताइए, उन्होंने कहा नहीं बताएंगे। तो मैंने कहा फिर आप किस बात के काउंसलर अगर आप मुझे हर चीज़ नहीं बता सकते? वो बोले हम सिर्फ 10,000-20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ही तो मांग रहे हैं, हम आपको कॉलेज दिला देंगे, आपका एडमिशन करा देंगे, आप सीधे कॉलेज में आइएगा। मैंने कहा अरे तो मुझे तो बताइए, मैं चेक तो करूँ कि किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड। कहते हैं मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, तो मैंने कहा दीजिए। कहते हैं हम एडमिशन करा देंगे, उसके बाद आपको बता देंगे। मैंने कहा ये कौन सा तरीका होता है आपका? और फिर मैंने अगर 20,000 दे दिए, मान लीजिए वो कॉलेज अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया, तो मेरे पैसे? कहते हैं आपके पैसे हम कौन सा 1-2 लाख रुपए ले रहे हैं कि बर्बाद हो जाएंगे, 20,000 ही तो रुपए हैं। मैंने कहा अच्छा 20,000 क्या रुपए नहीं होते हैं? तो काफ़ी देर ऐसी बहस चली, फिर देन उसके बाद मैंने बोला कि अपने फैमिली मेम्बर से आप वहाँ से चले जाइए। बच्चे का रही बात भविष्य की, अगर इस बार अटल बिहारी वाजपेयी का एग्ज़ाम नहीं दिया कोई बात नहीं, अगर इतने साल मेडिकल के कोर्स में ऑलरेडी बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल लगा देते हैं, तो मैंने कहा कि अगर इतने साल ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं, या कई बच्चे ऐसे भी हैं उनमें से जो 3-4 साल एमपी में पढ़ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम नहीं हुए, तो मैंने कहा कि अगर ऐसा हो चुका है, ऑलरेडी आपके 3-4 साल लॉस हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ मन में थोड़ा सा हताशा होगी इस बात को लेकर के कि हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन फिर भी इन फर्जी कॉलेज और फर्जी काउंसलर्स के चक्कर में फंस करके आप लाइफ भी स्पॉइल कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ 3-4 साल खराब हुए हैं, अगर आपने किसी कॉलेज में इनरोल कर लिया और वहाँ की डिग्री मान्य नहीं है, तो ज़िंदगी भर ना आपको कहीं नौकरी मिलेगी, ना आप कहीं प्रैक्टिस कर पाओगे, और इतनी उम्र हो चुकी होगी कॉलेज से निकलते निकलते कि अब दोबारा आपको मन भी नहीं करेगा कि फिर से कोई कोर्स करें। तो इन काउंसलर ने तो एडवर्टाइज़ करके आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेकर के अपना निकल गए, अब आप फंस गए कॉलेज में। अब आपको करना क्या है? जो कॉलेज कहेगा वही करना पड़ेगा। अब आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, सब कॉलेज के हाथ में। एक बार आपने इंटरव्यू ले ली, अब आप कॉलेज का कुछ नहीं कर सकते, अब सब कॉलेज ही करेगा, आपको जैसे नचाना है वैसे नचाएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये स्कैम होता है, ये चीज़ें होती हैं। कभी भी मैं बार बार कहता हूँ अपने हर वीडियो में, किसी भी कॉलेज को लेना है उसे विजिट करिए, वहाँ के स्टूडेंट से बात करिए, फालतू की चीज़ें मत देखिए। मैं भी बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे देखता हूँ यूट्यूब में, दिखा क्या रहे हैं, कॉलेज का कैंपस दिखा रहे हैं, कॉलेज में ये है ये है ये दिखा रहे हैं, कॉलेज की बिल्डिंग ऐसी है, कॉलेज में ऐसा ओपीडी बना है, ये है वो, बोल रहे हैं डेली 100-200 पेशेंट आते हैं। एक रिसेंट वीडियो मैंने देखा, उसमें बता रहा है ओपीडी में 100-200 पेशेंट आते हैं, पेशेंट 3 वहाँ लेटे हैं। जब 3-4 पेशेंट लेटे, मैं कैसे मान लूँ कि 100-200 पेशेंट आ रहे हैं? तो आपको ये बिल्डिंगें काम नहीं आनी, ये सारी इररिलेवेंट चीज़ें आपके जितने भी, मैं जितने वीडियो बनाता हूँ मैं कभी भी एडवर्टाइज नहीं करता, मैं बिल्डिंग्स नहीं दिखाता, मैं फालतू के व्लॉग नहीं बनाता, क्योंकि मुझे मालूम है ये सारी चीज़ें इररिलेवेंट है। बिल्डिंग कॉलेज की अच्छी हो, कैंपस अच्छा हो, मैं मानता हूँ ठीक है, आपको फोटो डालना है, आपको दिखाना है कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है, लेकिन ये इररिलेवेंट है। बिल्डिंग आपको ज़िंदगी में लेकर नहीं जाना। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है क्या वहाँ पर पेशेंट हैं, इंटर्न जो वहाँ इंटर्नी हैं उनसे पूछिए कि आप क्या प्रैक्टिस कर पाते हैं, या पूरा दिन 9 बजे से 4 बजे तक सिर्फ बैठे रहते हैं, साइन करते हैं और चले जाते हैं। उनसे बात करिए, अपने आप को थोड़ा सा ओपन माइंडेड बनाइए, अपने आप को हर किसी से बात करने के लिए ओपन करिए। कई बार क्या होता है, हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते और उस वजह से हम अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। उनसे ओपनली बात करिए कि क्या वाकई में इतने पेशेंट आते हैं, मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना सही है या नहीं। अब ये बात बहुत लोगों को बुरी लगने वाली है, क्यों?
इसलिए ऐसा नहीं है मेरे पास फंडिंग नहीं आती, मेरे पास भी फंडिंग आती है, मुझे भी ऑफर दिए जाते हैं कि हमारी तरफ से इतना पैसा ले लो, हमारे कॉलेज को प्रमोट कर दो, लेकिन मैं जानता हूँ प्रमोट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपके पास पावर है तो मैं ये कहूँगा कॉलेज को बदलिए, बाकी आप किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉलेज को बदलिए, लोगों को मत ये बोलिए कि आप अच्छा बताइए, आप जितना पैसा फंडिंग के रूप में दे रहे हैं उतना आप कॉलेज में इन्वेस्ट करिए, बच्चे खुद आएंगे। बहुत सारे मैं ऐसे देख रहा हूँ, लोग आते हैं फंडिंग लेकर के, मेरा कॉलेज प्रमोट कर दीजिए, इस कॉलेज के बारे में अच्छा ही बता दीजिए, लेकिन मुझे मालूम है कि कल मैं अगर किसी के थ्रू यहाँ आया हूँ और आज मुझे लग रहा है कि कॉलेज में ये प्रॉब्लम है, तो आप लोग भी आएंगे तो मुझे गाली देंगे जैसे मैं किसी को देता हूँ, ठीक है? तो मैं वो चीज़ फील नहीं करना चाहता, मैं वो चीज़ नहीं सुनना चाहता कि आप मुझे गाली दें या आप मेरे लिए बुरा भला निकालें। तो मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन सुनिएगा, समझिएगा, आपकी लाइफ का सवाल है। तो कॉलेज में ज़रूरी क्या है? कॉलेज में ज़रूरी है वहाँ की OPD और वहाँ के टीचर्स या फैकल्टी। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है किसी भी कॉलेज में, वहाँ का कैंपस ज़रूरी होता है, बिल्डिंग ज़रूरी होती है, स्पोर्ट्स होते हैं नहीं होते हैं ये सारी ज़रूरी होती है, टूर पे ले जाते हैं ले नहीं ले जाते ये ज़रूरी होता है, या ज़रूरी होती है वहाँ की OPD IPD या वहाँ की फैकल्टी। तो सारे बच्चों ने 75% मोस्टली आंसर दिए कि वहाँ की फैकल्टी OPD, और बिल्कुल सही बात है, यही चीज़ ज़रूरी होती है। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है पेशेंट देखना, कैंपस कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? पेशेंट है या नहीं, टीचर्स हैं या नहीं। जैसे रिसेंटली मैंने एक कॉलेज के बारे में सुना, और ये एक कॉलेज के बारे में नहीं, ये बहुत ऐसे कॉलेज होते हैं कि जिन टीचर्स के, जिन प्रोफेसर्स के नाम लिखे होते हैं कि ये इस विभाग के HOD हैं, बस सिर्फ नाम ही लिखे होते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये इन रियलिटी बता रहा हूँ, वो साल में सिर्फ 2 दिन आएंगे जब इंस्पेक्शन होगा, जब NCISM से MCI से टीम आएगी ना, तब यहाँ पर वो लोग होंगे, उसके बाद पूरे साल वो नहीं होंगे, उनके अलावा कोई और टीचर होंगे, और ऐसे टीचर होंगे ना आपको पढ़ने का मन करेगा ना आपको कुछ समझ आएगा। तो अगर अपने लिए आप बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछे ले जा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए जागरूक बनिए, हर चीज़ के लिए पूछिए, पता करिए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा नहीं है कि हमने पैसे दे दिए अब जो आपको करना है करिए, हर चीज़ के बारे में पता करो। मैं बहुत सारी चीज़ें सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे आजकल जब आते हैं बात करने, मेरी कॉलेज में भी बात होती है कई सारे, तो वो बताते हैं कि बच्चे आजकल आते हैं तो देखते हैं कि OPD IPD कैसी चल रही, पेशेंट हैं या नहीं है, वो बात करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं कोई चीज़ जो बता रहा हूँ वो बच्चे समझ तो रहे हैं, फिजूल के वीडियोज़ में नहीं फंस रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में नहीं फंस रहे हैं, बिल्डिंग्स का कुछ नहीं करना है, है ना? हकीकत आपको तभी पता चलेगी जब आप बात करेंगे, आप वीडियोस में देखेंगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट होती हैं, अच्छी अच्छी बढ़ाइयाँ बताई जाती हैं, अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ बच्चा महसूस कर सकता है, काउंसलर नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप उसके चक्कर में ना पड़ें, आप इतने बड़े हो गए हैं कि हर चीज़ आप कर सकते हैं, बस आप ये मानिए कि आप कर सकते हैं, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो किसी कॉलेज के लिए काउंसलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? और नहीं कर पा रहे हैं तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है? तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आज का थोड़ा सा मेरे साथ कुछ चीज़ हुआ है तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। उस काउंसलर ने हालांकि बताया नहीं कि कौन से कॉलेज में एडमिशन कराएगा, बाद में यही होता है एडमिशन करा दिया, इधर भी 20,000 चले गए, और उसके बाद जब कॉलेज में इंटर किया तो वहाँ बाद में पता चल रहा है कि यहाँ तो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैंने भी किसी से बात ही करी थी लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि BMS में 7 से 8 साल लगते हैं, उसने कभी नहीं बताया कि एग्ज़ाम जो है 2 साल में एक बार होते हैं, एग्ज़ाम 3-3 साल नहीं हो रहे। कई एक और बैच है उनके तो 3 साल में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए, तो ये काउंसलर नहीं बता रहे ना, ये कॉलेज के अंदर पता चलेगा। काउंसलर क्या बता रहे, कैंपस कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा, क्या करोगे कैंपस का, घर ले जाओगे क्या? तो ये सारी चीज़ें आप खुद से पता करिए, है ना? किसी को पैसे देकर के अपना नौकर मत बनाइए, अपने मालिक खुद बनिए, पैसे जेब में डालिए और खुद घूमिए। जिन पैसों को आप काउंसलर को दे रहे हैं वो पैसे अपने जेब में रख करके आप सारे कॉलेज विजिट करिए, मुझे लगता है सब विजिट कर लेंगे जितना पैसा काउंसलर की फीस में आप देते हैं। मुझे पता है इस वीडियो के बाद शायद नीचे गालियाँ आएंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जब काउंसलिंग से, काउंसलर से रिलेटेड वीडियो बनाया था तो बहुत सारी गालियाँ दी थी नीचे, लेकिन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, एक रियलिटी है जो मुझे शेयर करनी रहती है, और मुझे लगता है कि शायद आप मेरी बातों को समझेंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। विभाग एक ही है, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ज़िंदगी में। बहुत लंबी ज़िंदगी है, इतनी छोटी भी नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ फिर से मैं यही कहूँगा, अपने लिए हमेशा जागरूक बनिए और चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करिए। YouTube आपको क्या दिखा रहा है उस पर मत जाइए, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या आपके लिए ज़रूरी है, उस चीज़ पर फोकस करिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कंसिस्टेंट नहीं आ पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, शायद वो मैं बाद में कभी शेयर करूँगा, इसकी वजह से कंसिस्टेंटली नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो भी वीडियो आएंगे वो आपके लिए बहुत काम के होंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।